नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है और हम दिखाते हैं सच और देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के तीनों भाइयों ने किया सरेंडर। एसएसपी कानपुर के सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद बिकरू कांड के मुख्य अपराधी विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के तीनों भाइयों ने कानपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर में हुए 2 जुलाई की देर रात बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के फाइनेंसर जय वाजपेयी के तीनों भाइयों पर कानपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार होने के कारण 25,000 का इनाम घोषित किया था। साथ ही हाजिर न होने पर संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दिए थे और थाना नजीराबाद पुलिस द्वारा जय वाजपेयी के घर के बाहर डुगडुगी बजाकर कुर्की की नोटिस भी चस्पा की गई थी। क्या है, क्या कहना चाहोगे? अब भाई कल की उम्र बताओ, 25,000 रुपए का इनाम रखा जा रहा है, ये बताइए क्या लगता है? अरे हमारे जो के अपने भाई के गुनाह में आप शामिल थे। 1% नहीं, 1% क्या लगता है? इतने बड़े अपराधी के साथ आज कानपुर कोर्ट के एडीजे 5 के समक्ष तीनों भाइयों ने सरेंडर कर दिया। कैमरामैन मिन्हास खान के साथ रिपोर्टर मोहम्मद जिशान खान, न्यूज़ हब भारत, कानपुर।